हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ इंडियन स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता की बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इजी होने के साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जब भी हम रेस्टोरेंट में पास्ता खाते हैं तो वो बहुत ही खिला खिला होता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब हम घर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो इतना खिला खिला नहीं बनता। आज मैं आपके साथ घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा खिला खिला पास्ता बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए पहले देख लेते हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। एक कप पास्ता लेंगे, हाफ शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, हाफ कप स्वीट कॉर्न लेंगे, हाफ गाजर बारीक कटी हुई, 4 से 5 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, 1 चम्मच बटर चाहिए, 2 चम्मच मैदा, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 क्यूब हमें चाहिए प्रोसेस्ड चीज की, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, और 1 कप हमें चाहिए दूध और 2 से 3 चम्मच चाहिए रिफाइंड ऑयल। खिला खिला पास्ता बनाने के लिए पास्ता सही तरीके से बॉईल होना चाहिए। तो पास्ता को बॉईल करने का सही तरीका क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। तो बनाते हैं खिला खिला पास्ता। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप पास्ता। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसको गैस पर रखेंगे और उसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी इतना होना चाहिए कि जिसमें पास्ता अच्छे से डिप हो सके। तो हम पहले पानी को गर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, 2 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल के डालेंगे और साथ में हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें पास्ता डालकर बॉईल करेंगे। तो अभी हमने पास्ता को 5 से 7 मिनट बॉईल किया है। इसको ओवरकुक भी ना करें, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। तो एक पीस को इस तरह से प्लेट में निकाल कर काट कर देख लें, और अगर ये आसानी से कट जाता है तो पास्ता बॉईल हो गया है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और एक छलनी में पास्ता को छान लेंगे। तो इस तरह से इसकी कुकिंग को हम स्टॉप कर देंगे और अब पास्ता को एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें नॉर्मल वाटर डाल लेंगे और इसको फिर से छान लेंगे। तो इस तरह से नॉर्मल वाटर में से निकालना बहुत जरूरी है, इससे एक तो इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाएगी और पास्ता भी आपस में चिपकेगा नहीं। अब पास्ता को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके ऊपर फिर से 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे। तो इस स्टेप को स्किप ना करें, तो रिफाइंड ऑयल जरूर डाल लें और रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस तरह से बॉईल करने से पास्ता बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, एकदम से खिला खिला बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। और आप पास्ता को पहले से ही उबाल कर रख सकते हैं। पास्ता हमने बॉईल कर लिया है, तो चलिए बनाते हैं व्हाइट सॉस पास्ता। तो आइए व्हाइट सॉस पास्ता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल के डालेंगे और फिर ऑयल को गर्म करने के बाद हम सबसे पहले इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और फिर लहसुन को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो हम व्हाइट सॉस पास्ता बनाने जा रहे हैं तो हम किसी भी चीज का कलर चेंज नहीं होने देंगे। तो अब सबसे पहले हम इसमें गाजर डालेंगे। इसमें हम गाजर, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न यूज करेंगे। तो गाजर को सबसे पहले हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च और कॉर्न को ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। तो कुछ देर गाजर भूनने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न भी ऐड कर देंगे। और फिर इनको भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। इनको कुछ देर भूनने के बाद हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। तो उसी पैन में हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे
और साथ में एक चम्मच हम बटर डालेंगे। तो जब भी बटर में कोई रेसिपी बनानी हो तो साथ में रिफाइंड ऑयल जरूर डालना चाहिए, नहीं तो बटर जल जाता है। तो अब बटर को मेल्ट होने देंगे और बटर के मेल्ट होने पर हम सबसे पहले इसमें मैदा डालेंगे। तो यहां पर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, तो इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और इसका कच्चापन खत्म होने तक भूनेंगे और इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि इसका कलर एक जैसा रहे। मैदे का कच्चापन खत्म होने पर हम इसमें सबसे पहले दूध डालेंगे। तो यहां पर मैंने 1 कप दूध लिया है, आप चाहें तो आप 1.5 कप दूध भी यूज कर सकते हैं। दूध डालने के बाद हम इसको लगातार चलाएंगे, लगातार चलाने से इसमें गुठलियां नहीं बनेंगी और इसको थिक होने तक हम पकाएंगे। तो ये व्हाइट सॉस 2 से 3 मिनट में ही थिक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सॉस गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें प्रोसेस्ड चीज को ग्रेट करके डालेंगे। तो 1/2 क्यूब हम इसमें ग्रेट कर देंगे और 1/2 क्यूब को हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और फिर इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे और साथ ही बॉईल किया हुआ पास्ता भी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पास्ता बिल्कुल भी चिपका नहीं है, खिला खिला है। और इसमें नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। आप चाहें तो आप रेड चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन सबको मिला लेंगे और फिर 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। रेस्टोरेंट जैसा व्हाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार है। तो अब गैस को बंद करेंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल मोनिकास DIY को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो 1/2 क्यूब हमने रखी थी उससे हम गार्निश करेंगे। इंडियन स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार है। तो ये झटपट सी रेसिपी आप अपनी किसी भी किटी पार्टी में या फिर बच्चों की बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।